आज गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर, गुरुपूरब पर सभी देशवासियों को लख लख बधाइयां। गुरु नानक देव जी सैकड़ों साल पहले इस धरती पर आए, लेकिन सैकड़ों साल पहले जो उन्होंने प्रेम, भाईचारे और बराबरी का संदेश दिया, वो शायद आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी है। गुरु नानक देव जी ने हम सबको बराबरी का रास्ता सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई एक धर्म का नहीं होता, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता, सब इंसान बराबर है। और मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर हम सब गुरु नानक देव जी के सिखाए हुए रास्ते पर चलें, तो भारत को आगे बढ़ने से, दुनिया का सबसे नंबर वन देश होने से कोई नहीं रोक सकता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर, गुरुपूरब पर सभी देशवासियों को लख लख बधाइयां। गुरु नानक देव जी सैकड़ों साल पहले इस धरती पर आए, लेकिन सैकड़ों साल पहले जो उन्होंने प्रेम, भाईचारे और बराबरी का संदेश दिया, वो शायद आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी है। गुरु नानक देव जी ने हम सबको बराबरी का रास्ता सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, कोई एक धर्म का नहीं होता, कोई दूसरे धर्म का नहीं होता, सब इंसान बराबर है। और मुझे लगता है कि आज के दौर में अगर हम सब गुरु नानक देव जी के सिखाए हुए रास्ते पर चलें, तो भारत को आगे बढ़ने से, दुनिया का सबसे नंबर वन देश होने से कोई नहीं रोक सकता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। We'll be right back.